हेलो फ्रेंड, देखिए आंवला फरा हुआ है और दो पेड़ है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और दोनों के दोनों फरा हुआ है, देख ही सकते हैं पड़ा हुआ है। और अभी थोड़ी देर के बाद मैं स्कूल जाऊंगी। उधर आम का पेड़ है जो दो है, और इधर भी एक आम का पेड़ है, और एक अंदर में वो वाला अभी नहीं फरता है ना, अब नहीं फरता ना, इस बार फरता है। तो। और यहाँ पे कुछ क्या है, एक साग फूल का पेड़ है। फूल का पेड़। अगला हम तुमको दिखा दे। सो देख सकते हैं ये फूल लुक में आ चुकी है और तैयार हो गई है जाने के लिए। एक चोटी अंदर एक चोटी बाहर, देख सकते हैं एक चोटी आगे ली है, एक चोटी इसका पीछे है। और कुछ इस तरह से इसका ड्रेस है। और हमारे घर के दरवाजे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है और साफ सफाई कर दिए हैं, तो अच्छे से देख सकते हैं। अच्छे से तू दिखा। हम लगाएंगे सच में, हम कवर लगाने आता है। कवर क्या कैसे खोलते हो पता है आपको? यही मेरी गाड़ी है और एक छोटू सा, इधर बाइक है, ये बाइक है। और इधर देखिए घर के अंदर मैं दिखाती हूँ एक आम क्या का है, देख सकते हैं ये भी आम का पेड़ है कि घर के अंदर आम का पेड़ है। सो आप लोग देख लीजिए, और बहुत ही बाहर का नजारा। लेकिन इन लोगों को दिक्कत होता है आम के पेड़ की वजह से, पानी आ जाता है कुछ वहां पर लगा देगा, रबर तो नहीं आएगा, रबर नहीं लगा है तो। और इधर काम चलता है, फर्नीचर की दुकान है और बहुत अच्छा ये फर्नीचर बनाता है। मैं कभी दिखा, ये दुकान जो है इसके अंदर वो बहुत खूबसूरत, देखिए आंवला गिरा हुआ था जो मुझे मिल गया, मैं ले ली। और इधर बच्चे से लोग लेकिन बहुत परेशान रहते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों को। ये दरवाजा है, मेन दरवाजा है, और इधर थोड़ा साइड दरवाजा है, इसलिए हम लोग ऐसे ही है। और आंवला का भी बहुत फरा हुआ है। सो आंवला की कहानी बताएंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। बच्चे सब जो है सो आंवला करता है, एक डंडा मार देता है, आंवला गिर जाता है, 10 बच्चे आके 15 बच्चे उसे उठा लेते हैं। पूरा दिन अभी मेरा जब तक कि पूरा मतलब सीजन यही करेगा, सीजन और ये मतलब जब तक टूटेगा नहीं, मतलब टूटने वाला तो अभी आया भी नहीं, तो छोटा छोटा ही। ये देखिए बहुत बड़ा बड़ा होता है ये, इतना बड़ा मतलब अगर हल्का सा उसका साइज बढ़ेगा ना तो सेब जो छोटा वाला हाँ, था वो छोटा वाला सेब इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा बोला है वो, मैं दिखाऊंगी कितना बड़ा है। और अभी कितना फरा है आप लोग देखे होंगे, लेकिन जब तोड़ने का समय आएगा तो देख लीजिए कितना बचेगा, क्योंकि रोड साइड में है ना, देख सकते हैं इधर रोड है ना, देख सकते हैं मेन रोड है, और इसीलिए बच्चे सब स्कूल जाते हैं, बगल में ही है। मैं दूसरे दिन आपके आसपास की एरिया भी आपको दिखाऊंगी। सो अभी इतना ही दिखाती हूँ। और इधर मेरा छोटा सा प्यारा सा बाड़ी है जिसमें सब्जियाँ लगाती हूँ, और यहाँ पे हमेशा 10-20 बच्चे पड़े रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, मतलब कभी कुछ के लिए कभी कुछ के लिए, आंवला के लिए तो इतना परेशान करते हैं, और आम के लिए, दो चीज़ के लिए हमें काफ़ी परेशानी होती है। और आम ऐसा ऐसा आम लगा हुआ है सो मार्केट में नहीं मिलता है, एक मल्लिका है, एक आम्रपाली है, यही सब आम है जो मार्केट में भी नहीं मिलता है, और बहुत ही प्यारा प्यारा आम है। सो जो एक बार खा लेता है उसका फैन हो जाता है, मेरी भी गाड़ी, और इसीलिए तो ये जाओ बैग लेके आ जाए। तो अब देखिए ये दूसरा गाड़ी आया है जो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लाइट हो जाता है, जब मेरी बेटी की गाड़ी आएगी तो मैं दिखाऊंगी। तो आ गई है बुलबुल की यही गाड़ी है, आप लोग देख लीजिए और फिर मिलते हैं। देख सकते हैं जा रही है बुलबुल रानी और गाड़ी रुका हुआ है। बच्चे की हरकत देख सकते हैं, हे फैमिली ढेर सारे शुभकामनाएँ विश्वकर्मा पूजा की और जितिया व्रत की, और आप लोगों के बच्चे हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, और ये उसी का पर्व है आज, और विश्वकर्मा पूजा भी है। तो आप लोगों की फरमाइश थी कि अपने हस्बैंड जी को दिखाइए, तो हाँ लीजिए आप लोग मिल लीजिए,
और मैं जैसे तैसे ये वीडियो बनाई हूँ क्योंकि उन्हें पता नहीं है अभी कुछ, और ये उनके लिए सरप्राइज है। तो आप लोग मिल लीजिए, और ये यहाँ पूजा गाड़ी को कर दिए, मोटरसाइकिल का भी और गाड़ी का खुद से ही किए, और उसके बाद ये ऊपर चले गए अपने कंप्यूटर का, लैपटॉप का जो भी था उसका पूजा करने चले गए थे। तो फिर ऊपर से आए, फिर नीचे पूजा किए, तो इसी तरह इनका पूजा हुआ। और बहुत सच्चे दिल से ये पूजा किए हैं, और ये मैं पंडित जी और कोई उतना ताम झाम वाला पूजा नहीं की, क्योंकि मेरा भी फास्टिंग था तो मैं नहीं कर पाती, इसलिए मैंने मना कर दिया। तो इन्होंने बोले ठीक है मैं ही कर देता हूँ, तो यही किया। और बहुत सच्चे दिल से जो भी ये पूजा करते हैं सच्चे मन से करते हैं, सो देख सकते हैं इन मतलब मर्दों को थोड़ा सा कम आता है पूजा पाठ करने, लेकिन हाँ मैं जैसे जैसे बताते गई और ये वैसे वैसे करते गए बहुत अच्छे से पूजा कर लिए। मुझे इतना विश्वास नहीं था, उतने अच्छे से कर लिए, और आरती वगैरह भी ये किए थे, लेकिन गाड़ी सब ज़्यादा चल रहा था इसी की वजह से मुझे फिर से वॉइस डालना पड़ा। तो जो भी हुआ जैसे भी हुआ, और आप लोग बताइएगा, मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे, और अपना राय रखिएगा प्लीज़। और अभी तक मेरे वीडियो पर बने